हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल्स। आर लोकेशन इज इन राजस्थान मकराना एंड वी प्रोवाइड बेस्ट मकराना मार्बल क्वालिटी। उसके अलावा हमारी खुद की माइंस है एंड खुद की फैक्ट्री है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आज मार्बल लोड होगा यह है पटना के लिए मार्बल लोड होगा। पटना से थोड़ा साइड के अंदर विलेज है निसारपुरा, जो नेशनल हाईवे 139 के ऊपर है। वहाँ से इन्होंने जो कस्टमर है इनका 1100 स्क्वायर फीट मार्बल का इन्होंने सिलेक्शन किया था। कुछ टाइम पहले वह हमारे पास आए थे और मार्बल का सिलेक्शन करके वापस चले गए। जब गारेडी का अरेंजमेंट हुआ तो आज ये मटेरियल उनका लोड होगा। ये आप टू स्लैब्स देख रहे हैं जो चकडुंगरी की स्लैब्स है और ये काफ़ी अच्छी स्लैब है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी वाइटनेस है और सिल्कनेस भी बहुत बढ़िया है। टोटल इन्होंने 600 स्क्वायर फीट स्लैब का सिलेक्शन किया जो अबाउ 150 रुपीज़ है और 500 उन्होंने लीरा साइज का सिलेक्शन किया है। एक बार मैं आपको इन दोनों स्लैब का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट स्लैब है इसका ये डिज़ाइन है, जिस तरीके से जो बाज के पंख है, बाज उड़ता है उस तरीके से इसका ये पूरा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। और जो ये पैटर्न बन रहा है ये नेचुरल पैटर्न है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। और आप देख सकते हैं वाइटनेस के ऊपर ये लिमिटेड लाइन के साथ यूनिक डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। दोनों स्लैब का ही जो डिज़ाइन है एकदम यूनिक डिज़ाइन है। तो जो कस्टमर हमारे पास आए थे उन्होंने इन दो स्लैब्स का सिलेक्शन किया था और वो हमारे पास लॉकडाउन से पहले आए थे और जब उन्होंने मार्बल का सिलेक्शन करके चले गए और उसके बाद में ये मटेरियल मैं ऑनलाइन ही उनके मार्बल लोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कस्टमर ने मार्बल का सिलेक्शन किया और किस तरीके से मार्बल लोडिंग हो रहा है और किस तरीके से कस्टमर के पास मटेरियल पहुंचा और मटेरियल पहुंचने के बाद में उनका फीडबैक क्या रहा है। और फीडबैक करने के बाद मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि ये स्लैब्स लगने के बाद में किस तरीके से लगेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं मकराना मार्बल से रिलेटेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये मटेरियल लोडिंग स्टार्ट हो गई है और जो हमारे स्टाफ है जो गाड़ी लोड करने वाले हैं वह कंप्लीट मटेरियल आपको एक एक पीस में दिखाते हुए लोड कर रहा करूँगा कि ये जो मटेरियल आपने आगे के पीस देखे तो अंदर की पोजीशन क्या रहती है। क्योंकि मोस्टली कई बार जो कस्टमर होते हैं प्राइस की वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आगे के एक पीस से प्राइस कभी भी डिसाइड नहीं होती है। मैं अंदर की पोजीशन आपको दिखाता हूँ कि ये स्लैब अंदर से भी एकदम फ्रेश है एंड विदाउट फिलिंग स्लैब्स है। मैं इस की शॉर्टी देता हूं कि मेरे गोडाउन पे आपको जो भी मटेरियल मिलेगा 100% मकराना का ही मटेरियल मिलेगा, उसके अलावा विदाउट फिलिंग मटेरियल मिलेगा। अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मार्बल का सिलेक्शन कर सकते हैं, बट आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप क्वालिटी परचेज करते हैं तो अगर वह कम रेट का होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स जरूर होगा। तो आप अपने मन को संतुष्टि के साथ अपनी क्वालिटी का सिलेक्शन कीजिए। जो आप देख सकते हैं वीडियो कॉल के अंदर हमारे साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं, जो भैया है वो बिल्कुल हमारे पास आए थे, डायरेक्ट मेरे पास ही आए थे और कहीं पर उन्होंने विजिट भी नहीं किया और मेरे पास ही रुके और नेक्स्ट डे वह वापस अपने घर की तरफ चले गए मार्बल का कम्प्लीट सिलेक्शन करके। तो हमने इतनी गुडविल बना ली है और कस्टमर विश्वास के ऊपर आ रहे हैं कि जो मटेरियल वह सिलेक्ट करेंगे वही क्वालिटी उनको मिलेगी। तो 100% श्योरिटी के साथ हम कंप्लीट वर्क कस्टमर को करके देते हैं, ये देख सकते हैं। उसके अलावा मार्किंग के साथ में, वीडियो कॉल के साथ में कस्टमर को फ्रेश मेजरमेंट करके दिया जाता है, ताकि कस्टमर के पास में भी मटेरियल पहुंचे तो उनको ध्यान में रहे कि किस तरीके से पूरा मेजरमेंट फ्रेश मेजरमेंट किया गया है। उसके अलावा जो हमारे कस्टमर, इनका 1100 स्क्वायर फीट मटेरियल है, ये शेयरिंग के अंदर जा रहा है, तो इनके जो पैकिंग की जा रही है बिल्कुल सेपरेट पैकिंग की जा रही है। और कस्टमर को कई बार डर रहता है कि मटेरियल सेफ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे जो लोडिंग करने वाला स्टाफ है एकदम एक्सपर्ट है। तो वह जो इनके मार्बल है इनकी सेपरेट ही पैकिंग किया जाता है, इनके मार्बल से ही पूरी पैकिंग की जाती है ताकि बिल्कुल सेफ मटेरियल पहुंचे। और जो कस्टमर के पास में पहुंचा बिल्कुल सेफली पहुंचा है, इसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैं वीडियो के एंड में उनका फीडबैक भी आपको दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से आधी से ज़्यादा कंप्लीट स्लैब वो लोड हो गई। और उसके बाद में ये सेकंड स्लैब है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश मेजरमेंट किया जा रहा है। ऊपर से कोना कम है तो उसको छोड़ के ही मेजरमेंट किया जा रहा है और उसके अलावा प्रॉपर मार्किंग की जा रही है। और जो स्लैब है उसके ऊपर नंबरिंग भी की गई है, जैसे एक से लेकर 50 पीस है तो हर पीस पर नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो उधर कस्टमर के पास मटेरियल पहुँचने के बाद में भी ध्यान में रहे कि कौन सा पीस कहाँ पर है। उसके अलावा आप देख
सकते हैं, कहीं पे भी डिज़ाइन आउट नहीं मिलेगा। हमारा जो मटेरियल है उस स्लैब की खास बात यही रहती है कि जो रिकवरी है वह कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे भी आपको डिज़ाइन आउट नहीं मिलेगा। तो कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में कम प्राइस में मिल रहा है, तो उसका कई बार रीज़न ये होता है कि या तो डिज़ाइन आउट होता है, या फिर वह फिलिंग मटेरियल होता है, या फिर आगे कुछ और पीछे क्रैक्स निकल जाते हैं, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आप कम प्राइस के वजह से अपना क्वालिटी बेकार मत लगाइए। आप मैं कई बार देखता हूँ कि कस्टमर के पास मटेरियल पहुँचने के बाद में उनको पता चलता है कि हाँ इसमें यह प्रॉब्लम है, या फिर कई जगह उनको बाहर का मटेरियल दे दिया जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए अपने मार्बल का सिलेक्शन कीजिए और बढ़िया ही क्वालिटी का सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद में स्लैब लोड होने के बाद में इन्होंने चकडूंगरी के ही लीरा साइज का सिलेक्शन किया है। लीरा साइज भी मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आगे के दो पीस अच्छे हैं और पीछे की साइड में मिक्सिंग कर दिया गया है, कंप्लीट आप लीरा साइज देख सकते हैं। आपको आगे से आगे जैसे पीस लोड होंगे तो अच्छे से अच्छे ही पीस देखने को मिलेंगे। और जो इनकी जो प्राइस है एवरेज 65 से अबव की रेंज से के इन्होंने लीरा साइज का सिलेक्शन किया है। और इन्होंने जो साइज़ लिए 2.5x2, 3x2 इस तरीके से इन्होंने अपनी साइज का सिलेक्शन किया है। और मटेरियल आप खुद देख सकते हैं कंप्लीट लीरा साइज के अंदर बहुत ही अच्छी आपको वाइटनेस दिखाई दे रही है। और जो चकडूंगरी के पीस है इसकी वजह से वाइटनेस के ऊपर एकदम पेंसिल और लिमिटेड लाइनिंग है, जो ये मटेरियल लगने के बाद में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जो कस्टमर है वो हमारे साथ 100% सेटिस्फाई है। और मैंने 1100 स्क्वायर फीट मार्बल इतने दूर पटना भेजा है, तो ये सिर्फ कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है। मैं जो हमारे कस्टमर से उनसे जुड़ना चाहता हूँ ताकि ये मटेरियल अच्छा लगे, तो ये मटेरियल देख के और भी कस्टमर आए और उनको मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड हो। ये देखिए सनलाइट पूरी क्रॉस हो रही है, कंप्लीट वाइटनेस आप पूरी देख पा रहे हैं। तो ये जैसे पीस ऊपर उठ रहा है तो लाइट पूरी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रॉस हो रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मटेरियल कितना अच्छा है। इसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मार्बल सेफली कस्टमर के पास पहुँचा है, और वह आपको अनलोडिंग भी दिखा देता हूँ, और अनलोडिंग के साथ में कस्टमर का वॉइस फीडबैक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाय एवरीवन, आई एम फ्रॉम विलेज 40 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ पटना, कमिंग स्ट्रेट टू पॉइंट। माय एंगेजमेंट विद रामराणा मार्बल कुडंट हैव गॉन एनी बेटर। राइट फ्रॉम द वर्ड गो वी बॉन्डेड डीप एनफ टू एक्सप्लोर द आइडियाज in terms of marble quality, price and budget friendliness in a very thrilling manner. Actually we've been in touch since last November 2020, and Rambaiya was gracious enough to keep me updated about new arrivals of lots as and when required. After much deliberations I wanted to give it a go and decided to visit Rambaiya's stockyard in Makrana in person. On 26th March Rambaiya picked me up at Makrana Junction, and from there on we bonded like brothers and talked freely with no words barred. Although I was at his place only for 2 hours, but he made sure that 2 hours are utilized in a very professional manner, clearing all my queries and doubts. He recommended me a slab that just hooked me up to it, and we finalized the deal then and there. I must confess here, although I don't believe in propaganda videos to be honest, but fact remains the same that the sanskar and empathy that is inherited in him from his forefathers are incomparable and a class act. Also in the same breath, I was immensely influenced in a positive way by meeting his father. Truly speaking, he is a rock star, and Rambaiya, you must recognize that fact and you should be proud of that fact. All in all, I would strongly recommend Rambaiya Marble for potential buyers, not just for the variety and range, but for the personalized attention to the details on slabs and counsel on pocket friendliness of marble stone. Thanks all. तो इस तरीके से आपने देखा कस्टमर का क्या फीडबैक है। अगर आपको भी इस तरीके से मार्बल की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे है। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराणा मार्बल्स।